और ठग करके फिर आप अडानी अंबानी के हाथों में देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, तब जाकर के भाजपा के नेता और नेत्री चूड़ी खनका करके माथा पर गैस सिलेंडर लेकर के और गैस के बारे में बताती थी कि इतनी महंगाई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम राहिल आजम है, आप देख रहे हैं लाइव नेशन सेवन। आज हम जहानाबाद से एसएस कॉलेज में हैं और आज हमारे साथ राजद विधायक सुधा यादव हैं। जिस तरह राज्य और देश में महंगाई आसमान छूते जा रही है, तो इस पर राजद का क्या कहना है? इसलिए राजद लगातार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जन विरोधी नीतियों को लेकर के सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। आपको जिसका जीता जागता उदाहरण देखिए कि मार्च में जब बजट सत्र चल रहा था, उसमें राज्य सरकार जन विरोधी जो व्हील है, पुलिस व्हील, उसको लेकर के आई थी और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो विरोधी दल के नेता हैं, सदन में हमने पुरजोर विरोध किया था उसका। तो इन सारे सवालों को लेकर के आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह राज्य में, देश में व्याप्त महंगाई है, व्याप्त भ्रष्टाचार है, इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग आज सड़क पर हैं। कल थे प्रखंड मुख्यालय पे, आज जिला मुख्यालय पे हम लोग जोरदार प्रदर्शन करके और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि चुनाव के दिनों में आप जिस तरह देश के 125 करोड़ लोगों को आपने ठगने का काम किया, आपने अति पिछड़ा का बेटा कह के, आपने समाज के अंतिम पादान के लोगों का सहयोगी कह के, आपने यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे, यहाँ के किसानों के खेतों में पानी देने के नाम पे, खाद में सब्सिडी देने के नाम में, डीजल में सब्सिडी देने के नाम पे, आपने जो उसके व्यवहारिक जीवन का सबसे ताकतवर वोट था उसको आपने ठगने का काम किया और ठग करके फिर आप अडानी अंबानी के हाथों में देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर के हम सड़क पर हैं। आपको ज्ञात होगा कि यही जब भाजपा सरकार से बाहर थी और केंद्र में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी और पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और मेरा देश मनमोहन सिंह जी की सहयोग से आर्थिक मजबूती पर था, तब जाकर के भाजपा के नेता और नेत्री चूड़ी खनका करके माथा पर गैस सिलेंडर लेकर के और गैस के बारे में बताती थी कि इतनी महंगाई है। जिस समय 350 रुपये सिलेंडर मिलता था और आज लगभग 1000 रुपये सिलेंडर का कीमत हुआ है। जिस समय हमारे यहाँ 60 से 65 रुपये पेट्रोल बिकता था, उस समय लोग सड़क पर उतर करके और कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री गूंगा है, इसको हट जाना चाहिए। आज पूरी तरह 100 से ऊपर पेट्रोल है, लगभग 100 रुपये डीजल भी बिकने वाली है और उन दिनों जब देश में डीजल, पेट्रोल, गैस सस्ता था, तो ये भाजपा के नेता लोग ये महंगाई को डाइन कहते थे और आज जब महंगाई चरम सीमा पर है तब इनको महंगाई भौजाई लग रही है। तो इन सारे सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन करेगी और सरकार को आगाह करेगी कि आज हम सड़क पर हैं और 26 तारीख से जो आपका विधानसभा खुलने वाला है वहां भी सदन में हम आपका दांत खट्टा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरह ऐलान किया कि 18 और 19 तारीख को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, अगर ये विरोध प्रदर्शन से सरकार पर दबाव नहीं पड़ता है तो आगे की रणनीति, आरजेडी की रणनीति क्या होगी? देख लीजिए, आपको जानकारी होना चाहिए और आपको हम स्मरण करा दे रहे हैं। हमारे पुरखों के नेताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने और ख़ास करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने इसी दिन के लिए, माने हम समझते हैं कि 50 वर्ष पहले कहा था कि जब सड़क सूना होगा तो सदन आवारा हो जाएगा। हम लोग न सड़क को सूना रहने देंगे और न सदन को सूना रहने देंगे। इसलिए हम उन लोगों के वाणी को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, उनकी जो उक्ति थी
उसको हम याद करते हुए हम सड़क पर हैं और हमारे नेता चरणबद्ध तरीके से आप देखे होंगे कि विधानसभा में भी सड़क पर भी और जब जब बिहार के आवाम के सामने विषम परिस्थिति आई तब तक हमारे नेता मजबूती से चट्टानी एकता के साथ राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनको सहयोग करने के लिए खड़ा रहा। जिस तरह कांग्रेस ने 17 तारीख को पटना में बिहार सरकार के खिलाफ महंगाई पर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं बिहार सरकार ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और उनके समेत 150 लोग पर FIR किया है। देख लीजिए, सरकार तो ये करते रहती है, हम लोग भी आज सड़क पर उतर रहे हैं, हो सकता है हम लोगों पर भी FIR हो, लेकिन उस सब चीज से हम लोग विचलित होने वाले नहीं है, घबरा के सड़क छोड़ने वाले नहीं है। सरकार चाहे जितना FIR करे, आपको ज्ञात होगा कि पिछले बार जब हम लोग पटना में जब मार्च कर रहे थे उस समय भी हम पर भी हुआ था, हमारे नेता सहित दर्जनों पार्टी के विधायक नेता पर FIR हुआ है। तो वो सब चलते रहता है राजनीति, और सरकार तो चाहती ही है कि हम डरा धमका करके और लाठी से पिटवा करके हम इन लोगों को सड़क से बाहर करें, लेकिन जो अभी आवाम के सामने जो परेशानी है, जो चुनौती है, महंगाई से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के आप देख लीजिए कि कैसी विडंबना है। आम लोग, हमारे नेता आदरणीय लालू यादव का जो स्वर्णिम सरकार था जिसको इन बेईमानों ने जंगल राज कहा था, आज आप समझ लीजिए कि एक सीनियर IAS अधिकारी को थाना में 4 घंटा बैठना पड़ता है FIR करने के लिए, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए सरकार के मुखिया को कि जिसके राज में चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को 4-4 घंटे थाना में बैठना पड़ता है FIR कराने के लिए। वो FIR बिहार सरकार के मुखिया से लेकर के सीनियर IAS अधिकारियों पर होना था, इसलिए इस तरह की परेशानी। नीतीश कुमार FIR से डर रहे हैं, एक तरह से पूरी तरह डर रहे हैं। नीतीश कुमार, इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री अभी तक बिहार को नहीं मिला। आपको बता देते हैं कि जिन जिन इशू पर लेकर के हमारे नेता को घेरने का काम किया था, आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार पर कॉपीराइट मामले में कोर्ट ने फाइन किया है, वो अलग इशू है, वो आदमी को जरा सा लाज शर्म नहीं है। सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहने के लिए वो आदमी किसी से समझौता कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। STET अभ्यर्थियों का मुद्दा कुछ महीनों से पटना में हलचल में है, STET अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यही सब मामला को तो लेकर के ये जो सुधीर कुमार जो सीनियर IAS अधिकारी थे, इन सारे मामलों का खुलासा होने वाला है कि किस तरह सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जो नियुक्ति संबंधी जो बोर्ड है उनमें उन अधिकारियों को दबाव देकर के कैसे अपने जिला के लोगों को, कैसे अपने चाहने वाले लोगों को नौकरी दिलवाया है, ये सारे मामले का खुलासा होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव की बेसब्र से इंतजार कर रही है। आप कुछ दिन पहले दिल्ली भी गए थे, लालू प्रसाद यादव से मिले भी, तो क्या आप जनता, बिहार की जनता को बता सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव कब बिहार की जमीन पर कदम रख सकते हैं? देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह अपने नेता को स्वस्थ होने की कामना कर रहा है कि जल्द से पूरी तरह स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में आए, हम लोग को मार्गदर्शन करें। आपको बता देते हैं कि जब 5 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल अपना स्थापना दिवस मना रही थी, तब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो संबोधन हुआ था वह 30 मिनट से अधिक का संबोधन था। उसमें अविस्मरणीय बात जो उन्होंने बोला कि हमने अपने शासन काल में हमने कोई काम नहीं किया था, बिहार के आवाम जो गरीब, जो समाज के अंतिम पादान के लोग थे, दलित अल्पसंख्यक, जिसके चूल्हे पे तावा रखा हुआ था, उसमें जो रोटी सेक रहा था, सिझ रहा था, वह एक तरफ जल रहा था, उसको हमने पलटने का काम किया था। बस इतना ही हमने काम किया और वो बात बिहार के आवाम के दिलों में आज बस रहा है, सब लोग उससे उत्साहित है, सब लोग उससे खुश है। और हम फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से हम अपने नेता को के स्वस्थ होने की कामना करते हैं और जल्द से जल्द बिहार आने का हम आग्रह करते हैं कि आप स्वस्थ होकर के बिहार आइए और यहाँ के लोगों को अपना संदेश दीजिए। तो जिस तरह आपने देखा, जहानाबाद के राजद विधायक सुधा यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है,
तो आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।